हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज जिगजोत सिंह। स्वागत है आपका, आप ही का चैनल है जिगजोत ट्यूटोरियल फिजिक्स। और आज का जो टॉपिक है बेटा जी, वो है प्लस वन साइज के लिए काइनेमेटिक्स की इक्वेशन करेंगे, बट आज करेंगे हम कैलकुलस मेथड के साथ। कैलकुलस मेथड नाम सुनकर घबराना नहीं है बेटा, मींस वही तीन इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्र, वी स्केर माइनस यू स्केर इक्वल टू टू ए एस, वो तीनों ही इक्वेशन करेंगे, बट कैलकुलस वाया मीन्स कैसे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। कैलकुलस में क्या हुआ, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के साथ करेंगे काइनेमेटिक्स की वो तीनों इक्वेशन। समझे बात, घबराना नहीं है। देख ले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है बेटा जी, जो हमने आज करना है वो है, पहली इक्वेशन है बेटा हमारे पास वेलोसिटी टाइम v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, पोजीशन टाइम कौन सी हुई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी है बेटा जी पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हैं। क्या है ये, बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू टू ए एस। समझे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसको करना है हमने बेटा जी। तो करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कैसे करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को, जो कि वही इक्वेशंस है जो तीनों हमारे पहले थी, कौन सी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ये तीनों इक्वेशंस थी ना, बट इसे हम इसे करेंगे आज कैलकुलस मेथड के साथ। तो एक बार हल्की सी डायग्राम भी बना ले हम, कि यहां से बॉडी स्टार्ट हुई, यहां पर पहुंची और यहां से आगे यहां पर पहुंची, तो ये है उसका ओरिजन, इतनी डिस्प्लेसमेंट उसने की, कितनी की, एक्स नॉट। यहां से हम उसको स्टार्ट करना शुरू किया, मींस टी इक्वल्स टू जीरो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, चलते वक्त उसकी यहां पर वेलोसिटी है यू, जो कि है इनिशियल वेलोसिटी, और यहां से आगे चली तो यहां पर पहुंची, तो यहां पर टी इक्वल्स टू टी है और वेलोसिटी यहां पर बनी बेटा वी, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसकी यहां तक की है एक्स। बात समझ लगी बेटा, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कुछ बच्चे नए होंगे पिछली वाली वीडियोस देखकर हमारे साथ आगे चले, बिकॉज ऐसे थिंग्स क्लियर नहीं होंगे, मेथड्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो बच्चा जी ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव और ये है एक डायग्राम, इसी को स्टार्ट करेंगे और चलेंगे। पहली इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो इसमें क्या करेंगे, कौन सी स्टार्टिंग हमें चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मींस वेलोसिटी और टाइम चाहिए, तो क्यों ना हम स्टार्ट करें इसी से, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, तो क्या था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या थी डीवी बाई डी टी थी ना, अरे भाई बोलो, एक्सेलरेशन थी डीवी बाई डी टी, ओके। तो यहां से करें, ये यहां बेटा ये कहां से आया था, यू नो डीवी बाई डी टी, और फिर इसको एक बार और लिखते थे तो क्या बनता था डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, याद है कुछ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो इसको स्टार्ट करें अभी आगे, तो ये क्या बना बेटा आगे फिर, ए डी टी इक्वल्स टू डी स्मॉल डी स्मॉल डी टी, वो एक्सेलरेशन थी। तो अभी इसको ये वाली शेप में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ करो रिमेंबर जल्दी से, छोटे छोटे पार्ट्स को पूरे पार्ट्स में लेकर जाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो करते बोथ साइड्स इंटीग्रेशन, कर दीजिए, आज लिमिट्स भी पढ़ेंगे, कुछ नया करेंगे आज। तो ये हमारे पास है इस, ये टाइम इंटरवल है इतने वाली, इसी के ऊपर काम करेंगे ना, क्योंकि यहां से मैं टाइम शुरू कर रहा था, इसका मतलब टाइम इंटरवल मेरे को ये वाली है, इसी के अंदर चीजें चेक करेंगे पूरी। तो टाइम है, टाइम कहां से लेकर कहां तक गया, टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी इक्वल टू टी, इस लिमिट से किस लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट,
सो देयर फॉर टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर टी इक्वल्स टू टी तक गया. ओके तो वेलोसिटी कहां से कहां तक गई, जीरो से लेकर वी तक. तो जीरो से लेकर वी तक. तो बेटा जी क्या बना, अभी इसको आगे करें फिर से, तो क्या बन रहा है ये पूरी चीज, ये पूरी चीज क्या बनी बेटा जी, ए तो बाहर ही रहेगा, इसके साथ वन लगा है तो वन की एक्सेलरेशन, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो टी आएगी. लिमिट्स फिल करेंगे टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर टी इक्वल्स टू टी तक. याद रखना बेटा जी इंटीग्रेशन अगर हमने नहीं की अभी तक तो ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, इस साइन के ऊपर लिखते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट. बट जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम इसको टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर टी इक्वल्स टू टी तक. समझे बात, जीरो से लेकर ऐसे. और यहां पर क्या बनेगा बेटा जी, इसके साथ भी तो वन ही है विद रिस्पेक्ट टू डी भी है अभी, सो इसका मतलब क्या आएगा, वी लोअर लिमिट है, यू अपर लिमिट है वी. तो बेटा जी क्या बनेगा अभी, थिंक्स यू अपर लिमिट, पहले लिखेंगे अपर लिमिट माइनस टी को टी लिखा तो टी बना, टी को जीरो लिखेंगे तो यहां पर वी को वी लिखेंगे पहले, फिर वी को क्या लिखेंगे यू. वी जब अपर है तो वो वी है, वी जब लोअर है तो फिर वो क्या था एट दैट टाइम, टी को जीरो के ऊपर यू था ना, वी जब फिर तब लोअर लिमिट क्या बनी, वी इक्वल्स टू यू, तो यू लिख दिया. याद करना भी सीखो और थिंग्स को क्लियर करना भी समझो. इस टाइप पे ये थी वेलोसिटी, इस टाइप पे ये थी वेलोसिटी. तो अगर कहां से लेकर कहां था, अगर टी जीरो है तो इसका मतलब एट दैट टाइम टी की वैल्यू जीरो फिल करें, अगर टी टी है तो एट दैट टाइम टी की वैल्यू टी फिल करें. इसके अंदर फिल करनी है अपर लिमिट और लोअर माइनस, ऐसे वी माइनस यू, वी को वी लिखा वी को यू लिखा तो ऐसे बना. तो बेटा जी क्या बना अभी, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो ऐसे बन गया कुछ वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो पहली इक्वेशन बनकर तैयार होगी, ऑब्जेक्टिव डन क्लियर, टारगेट अचीव्ड. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, अभी सेकंड को करें स्टार्ट. तो वो कौन सी है, पोजीशन टाइम. इसको मैंने स्टार्ट कैसे किया था, वेलोसिटी टाइम, तो इक्वेशन वही थी जहां जिसमें वेलोसिटी और टाइम हो. अभी इसमें कौन सी नहीं बेटा ये, इसमें है पोजीशन और टाइम. पोजीशन चाहिए और टाइम चाहिए, तो वेलोसिटी को इलिमिनेट करें तो हम इससे चले पोजीशन और टाइम के साथ, तो पोजीशन और टाइम ही तो होनी चाहिए. तो इसको कैसे करेंगे अभी अगर आगे जाकर, वी डी टी इक्वल्स टू डी एक्स हो गया. तो v की वैल्यू क्या है, थोड़े पिछले वाले कंसेप्ट ये थी तो लिखे फिर, क्योंकि यूटी या टी कुछ आ रहा था ना, ये बड़ा केस यूटी या टी, तो इसमें ही तो है वो. तो फिर लाए इसको v की वैल्यू फिल कर दे यहां पर, तो क्या करेंगे u प्लस ए टी, तो साथ में आएगा डी टी और इधर आएगा डी एक्स. दोनों साइड से क्या करेंगे, टी पूरा चाहिए एक्स, एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट्स, एक्स ये पोजीशन थी तो वो डिस्प्लेसमेंट्स कुछ बनेगी, तो इसको भी क्या करेंगे पूरा, क्योंकि एक्स पोजीशन पोजीशंस माइनस की जाए तभी तो डिस्प्लेसमेंट बनती है, कि ये वाली पोजीशन माइनस करेंगे तो इसके अंदर की यही आएगी ना डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई यहां से लेकर यहां तक. तो बेटा जी क्या करें, दो बोथ साइड से इंटीग्रेट कर दिया, तो टाइम कहां से लेकर कहां तक था, यू प्लस एटी है, और ये जो बाहर लिखा है इसके साथ भी टी है, तो इसको अंदर लेकर जाना पड़ेगा. इसका मतलब ये जो सिंबल है ऐसे आएगा बाहर, आएगा ना, पहले वी था वी मैंने बाहर रखा, बट वी में क्या आ रहा है, टी भी आ रहा है, देयरफॉर इसको अंदर ही लेकर जाना पड़ेगा. साथ में क्या है डीटी, तो इधर क्या हुआ डी एक्स, फिर से खोल कर देखें तो क्या बना बेटा जी, पूरा दोनों दोनों के साथ अलग अलग कर दें, तो करें अभी डिफरेंशिएट, डिफरेंस सॉरी करें अभी इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेट वैसे बेटा कैसे होगा, ये कांस्टेंट है तो पहले लिमिट्स लिख लें, कहां से लेकर कहां तक, यहां से यहां तक चले थे तो टी की वैल्यू जीरो विद रिस्पेक्ट टू टी है, टी की वैल्यू जीरो से लेकर टी की वैल्यू टी,
यहां पर भी टी की वैल्यू जीरो से लेकर टी की वैल्यू टी, तो यहां पर एक्स है तो एक्स की वैल्यू एक्स नॉट से लेकर एक्स, कहां से कहां तक, यहां पर क्या था एक्स, एक्स नॉट था, यहां पर क्या बना एक्स, सो देयरफॉर क्या हुआ एक्स नॉट यहां से लेकर यहां तक, इतना इतनी उसने डिस्प्लेसमेंट की और यहां तक जाकर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था एक्स नॉट, तो यहां पर जाकर कितना ट्रेवल कर दिया एक्स, समझे बात, सो एक्स माइनस एक्स नॉट इस टाइम के ऊपर एक्स बन गया था, इस टाइम के ऊपर इतना आ गया डिस्टेंस, इतनी पोजीशन, इतनी डिस्प्लेसमेंट आ गई थी। तो बेटा जी अभी क्या लिखेंगे आगे, अपर लिमिट टी था तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो आएगा बाहर, अभी साथ में लगा है क्या वन, ये तो बाहर चला गया, साथ में है ना वन, तो वन की फिर इंटीग्रेशन क्या है टी है विद रिस्पेक्ट टू टी, टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर टी इक्वल्स टू टी तक, और वैसे ही ए कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा तो साथ में है टी, तो टी की इंटीग्रेशन क्या है, टी की वैल्यू वन है यहां पर, तो इंटीग्रेशन कैसी होती है टी की पावर हो एन, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी टी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो बेटा यहां पर वन है तो वन प्लस वन क्या बन गया टू, अपॉन भी क्या बन गया टू, और इसके बीच में हम इसको फिल भी करेंगे अभी टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर टी इक्वल्स टू टी तक, और इधर भी साइड पे जो बनेगा ये बनेगा, ये क्या होगा वन है यहां पर तो बटा बनेगा एक्स, क्या लिमिट्स आएंगी एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट से लेकर एक्स इक्वल्स टू एक्स तक। तो जल्दी से बता दीजिए बेटा ये अभी आगे क्या आएगा, यू अपर माइनस लोअर टी माइनस जीरो, क्या आएगा ए अपर माइनस लोअर, अपर टी के अंदर टी की वैल्यू फिल की तो टी स्क्वायर बाय टू माइनस ए की वैल्यू, अब टी की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी जीरो का स्क्वायर अपॉन टू, इधर क्या आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, तो बेटा जी क्या बनेगा यहां पर यू टी बन गया ना, इस पर तो जीरो हुआ तो ये यहां पर क्या बनेगा ए टी स्क्वायर बाय टू, जी हाँ ये तो फिर से जीरो बन गया, और यहां पर क्या बनेगा एक्स माइनस एक्स नॉट, क्या होता है एक्स माइनस एक्स नॉट तो क्या बना एस, तो एस बन गया, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा जी ये बनी टारगेट अचीव्ड डन। तो आइए तीसरी वाली पे, तीसरी है पोजीशन वेलोसिटी वाली इक्वेशन। तो बच्चा जी इसमें क्या होगा ध्यान से सोचिएगा बेटा जी, इसको भी ध्यान से समझ कर चलना है, तो कैसे करेंगे इसको, इसको कीजिए स्टार्ट कुछ ए भी तो है इसमें, तो ए से स्टार्ट करते हैं इसको भी, क्या बनता है डीवी बाई डी टी, बट ये एस है, एस मींस डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए पोजीशन, तो पोजीशन इसमें कहीं भी नहीं आ रही, तो क्या करिए और इसको, तो क्या नहीं आना चाहिए टी को एलिमिनेट करना है, तो कुछ ना कुछ दाव पेच खेलने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे डीवी बाय डी टी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ डीएक्स बाय डीएक्स के साथ, तो क्या बना बेटा जी यहां पर डीएक्स बाय डी टी, क्या होता है डीएक्स बाय डी टी, तो वी बन गया, ये क्या बन गया साथ में डीवी अपॉन क्या आया डीएक्स, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें डीएक्स के साथ तो कैंसिल आउट करके वन ही वैल्यू बनती है, तो इसका मतलब मैं अब ऊपर भी किया मल्टीप्लाई नीचे भी किया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो अभी क्या बना बेटा जी यहां पर ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी डी वी, तो कर दे अभी डिफरेंश इंटीग्रेट दोनों साइड पे पूरा पूरा लेकर जाना है, तो कैसे करेंगे अभी ऐसे कर दिया इधर भी ऐसे कर दिया, इसकी लोअर लिमिट क्या है डीएक्स की लोअर लिमिट क्या होगी बेटा जी एक्स, एक्स मीन्स पोजीशन कहां से लेकर कहां तक है यहां से लेकर यहां तक, तो इधर से लेकर इधर तक का बेटा जी क्या आएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो इसकी क्या होगी यू से लेकर वी तक, तो बना दीजिए जल्दी से ए कॉन्स्टेंट साथ में वन है वन की क्या बनेगी एक्स, तो कहां से लेकर कहां तक यहां तक हो गया, और इधर क्या बनेगा बेटा जी वी है तो वी की क्या बनेगी बेटा जी वी की पावर वन है तो बन गया वी स्क्वायर बाय टू, तो क्या ये यू है यहां पर वी है, तो जल्दी से कर दीजिए ज्यादा टाइम लगाना नहीं है बेटा जी,
एक्स माइनस जीरो, सॉरी एक्स इक्वल टू एक्स और कहां से लेकर कहां तक थी, यहां पर बेटा जी एक्स नॉट थी, गलती है बेटा जी, नोट कीजिए करिए, बड़े बड़े बंदों से गलती हो जाती है। एक्स नॉट आ गया यहां पर, और यहां पर क्या हुआ बेटा जी, अपर लिमिट में आया वी स्क्वायर बाय टू, तो लोअर में क्या आया वी किया मैंने यू फिल किया तो पढ़ा यू स्क्वायर बाय टू, तो अभी क्या आएगा ए एक्स माइनस ए के साथ क्या है ए एक्स, और ये बेटा जी अभी देख ही लीजिए एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट एस बना, तो बेटा ये क्या बन गया एस हो गया, यहां पर एलसीएम है टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, तो बेटा बन गया टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो बातें बन गई, तीनों के तीनों टारगेट अचीव्ड हो चुके हैं हमारे पास, और काइनेटिक्स की तीनों के तीनों इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर दी है, समझ आ गई होगी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अभी तो कल तो फिर भी पिछले लेक्चर में आपके पास थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, बट अगर आज आपने ध्यान से देख ली है कि ये इक्वेशंस कैसे वर्कआउट की, और सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी समझ के बगैर आगे आप नहीं चल सकते बेटा जी, क्योंकि जब तक ये थिंग्स हमको समझ नहीं आएगी डायग्राम के कौन से टाइम इंटरवल के ऊपर मैं क्या क्या काम कर रहा हूं, तो आगे चलने का कोई फायदा नहीं, आप धोखा अपने आप को दे रहे हैं। ओके, तो ये थिंग्स हुई। अभी हल्का सा करें क्या कि ये जो अभी ये जो वर्कआउट हो रहा था ये कैसे था, ऐसे एक्स एक्सिस की ओर स्ट्रेट लाइन ऐसे था, ठीक है, जब हम वर्क डन करते हैं ऐसे करते हैं, बॉडी आगे जा रही है इधर जा रही है, बॉडी इस तरफ को मूव इस तरफ को मूव, ऐसे ही थी ना, तो एक्सेलरेशन भी ऐसे ही आ रही थी कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस हो रहा है सब कुछ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम, एक्स इस साइड को हो जाए इस साइड को, ठीक है, एक्स एक्सिस के अक्रॉस है, इस साइड को हो जाए इस साइड, जब जेड एक्सिस के अक्रॉस हुआ स्ट्रेट लाइन में तो है, ऐसे 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 ऐसे, बट ऐसे ऐसे अभी तक नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे क्या है कि अर्थ का काम है, अर्थ काम कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, यू वी यू ए टी ये सभी इक्वेशंस क्या बनेंगी, ये ए क्या है, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है उस बॉडी की, बट अगर ऐसे काम हो तो एक्सेलरेशन कौन देता है, रिकॉल कीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऐसे वाई एक्सिस के अक्रॉस अगर वर्किंग हो ऊपर को चाहे नीचे को, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, तो बेटा जी वही तीन इक्वेशंस फिर क्या बनेगी, पहली बन गई वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, दूसरी बन गई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी बन गई बेटा जी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एस, तो ये तीन इक्वेशंस बन गई, और इसमें जी की वैल्यू कहां पर पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है, ये बात आपको समझाने की जरूरत मुझे पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये बेटा पता है, आपने 9th में अच्छी तरह से इसको पढ़ा है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि जी की वैल्यू अगर अर्थ अपनी और किसी चीज को खींच रही है, देयरफॉर जी की वैल्यू होगी नीचे की ओर, अगर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी तो अपनी तरफ ही तो लगाती है सब कुछ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अर्थ की ओर होती है, इसका मतलब हम कोई भी काम नहीं कर रहे, अर्थ ही काम कर रही है, सो देयरफॉर जी की वैल्यू सच केसेस में पॉजिटिव है, और अगर हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। बचा बाटी आज के लिए इतना ही था, चीजें हमने पूरी कर ली, काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़नी थी कैलकुलस मेथड के साथ, 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बनता है, कैलकुलस मेथड तो आएगा ही आएगा पेपर में, श्योरिटी बेस है। आज के लिए इतना ही, घर में बैठे ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें बच्चा जी, ठीक है, अपना फर्ज भी निभाएं, और सलामत रहें, परिवार के साथ बैठें, परिवार के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि वही आपके सबसे अच्छे हम सफर है। बाय बाय।